केमिति खेलाड़ी चयन में अनियमितता होता है कारण विगत अनेक वर्ष धरी जिते बड़े आम आलोचना करूँ जे जातीय स्तर में ओडिशा कौन से खेलाड़ी चयन होना आप देखिथे आईपीएल ओडिया खेलाड़ी संख्या बहुत कम आतीक बेले ओडिशा क्रिकेट जिते बड़े प्रश्नचिह घेर को चली आसे से एमती सब खेले कहानी ओडिशा क्रिकेट भविष्य को नहीं गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची प्रतिभा रही भल क्रिकेट खेलुंस सुजोग न मिल तबे ओडिशा क्रिकेटर भविष्य कौन है किंतु एते सब अभियोग सामना को आसीबा परे जे कोच निजे रही भुवनेश्वर ए क्रिकेट टीम बीबीसीसी महापात्र सी कौन प्रतिक्रिया रखुंस अभियोग को नहीं प्रतिक्रिया आसतु नजर पक सत्यता या भितर कौन ये तो मिथ्या अभियोग आस पा अलरेडी आम तीन टाइम मैच खेलु तीन टाइम मैच रे षोलो रन कर तो अलग पिला भी तो अच्छा भी तो पुणी चान्स दबू ना ना तो अलग पिला किए खराब खेलिले तो पुणी से जगह क्या आणबू कौन ना से नजा न देखिकी न जानूं यदि कहे ना जन अभोग अभोग दवा आगे तो निजे जाणी दरकार से पिला कौन कर हाँ इस लिग मैच तीन ट मैच खेली मैच रे षोलो रन कर तापर अलग पिला भी अच्छा आमर कैप्टेन भी जी थे सी भी विकेट कीपर बैट्समैन सी भी विकेट कीपर बैट्समैन तो ताकु सुपर लीग रे तीन टा चांस दिया दिगला सी फेल हेले फेल हेले आम आगे आगे आणबू आ फेल नए कि मुझे अन्य जन के अन्या कर खेली खाली ही खेल थी आगे आगे खेल अलग पिला भी तो बर्ष आगे प्राक्ट करके आसना सी भी तो ये चान्स आस न खेल पुणी एक खाली खेल खेलु थी कौन है मुझे जानी मुझे आसिक ये सका आसिक स्कोर लिस्ट पाखे मुझ मोर प्लेयर लिस्ट कर हटात देख ला बेलू चालीस पचास जन लोक सी कौन हो हाला होपर कौन है मुझे जानी किए आसला कौन आसला मुझ मो प्लेयर लिस्ट लिख ला भर इतनी खाली शुणी हो हाला पुलिस आसे नहीं गले किए कड़े कौन जदि पिला खराब खेल खेलु न खेल पारि यदि खराब खेल पिला बापा कोच उपर दोष देवे से कौन करी मुझे तो खेल आप देखिपारे सबुति देखिपर तीन टा मैच षोल रन से कर अलग पिला तो पुणी मुझे चान्स देवी ना ना अलग पिला तो पुणी खेलुँच बर्ष जाक गोटे चान्स तो अलरेडी मुझे तीन टा चान्स दे सारी पुणी तो वेट करा दरकार से चान्स चान्स आसाप मुँ मो जगह ट्रांसपेरेन्सी अच्छी समस्त को जितकी पिला अच्छा मोर समस्ते मो पिला समस्त को मुझे चाहूँ समस्ते किसी परफर्म करूँ समस्ते खेलिकी चान्स पातु चान्स पाइक परफर्म कले से स्टेट खेलिए इतने मोर किसी कहार ना मुझे से ट्रांसपेरेन्सी पूरा अच्छे आपे आप्रे भी देखिपारे निजे आप्रे देखु किए कौन के कौ पिला करें बाहरी जाए कहतु मत हाँ पिलाटा रन करफर्म करदे कटक्राम प्रतिनिधि सौम्यरंजन चौधरी आम सहित जोड़ी होती सौम्य उभय बापा माँ प्रतिक्रिया आम शुणु एवं कोच बीबीसीसी महापात्र प्रतिक्रिया आम शुणु जे प्रकृत में किए सत कहे बापा माँ कहते पुओं को सुजोग दि जाऊना किंतु कोच कहते जे लीग पर्यायर आयुष को सुजोग मिलता किंतु तीन टी मैच में मात्र 16 रन करते तेणुक परवर्त मैच में सुजोग दि जाए ना सत किए कह सौम्य यहाँ मुकेश देखो आज कटक सनसाइन पड़िया सकाल बेला दुईट घटना घटला गोटे हूँ चयन प्रक्रिय अनियमितता नहीं अभियोग आसला और अंपटे जड़े महिला को दुर्व्यवहार ये दुईट जाकर प्रमाण रही गोटेपटे आयुष महांती जी जड़े ओडिशा क्रिकेट पर खेलुंतर अभोग रही कि परफर्मांस भल सत्वे दल में सुजोग दिगला ना से ही कथा बीबीसीसी महापात्र जहाँ स्पष्टीकरण दौले जदि प्रकृत में चयन प्रक्रिया अनियमितता है तेज मोबाइल ओसीए रोटे स्वतंत्र मोबाइल आप जरिया किए के परफर्मांस कर डाटा अच्छी जदि अनियमितता हो चयन प्रक्रिया अभियोग आयुष महांती माँ बापा उभय अभियोग करेणु निहतर ओडिशा क्रिकेट आसोसीएसन यार गोटे तदंत करू अंपटे आम देखा जदि महिला जनक पड़िया बस प्रतिवाद कले कहीं मो पु को सुजोग मिलला ना जुबेनाइल क्लब जो सदस्य देवाशीष बेहरा जी कि आयुष महांती माँ को गोईठा मारे प्रयास कर जो भिडियो सामना को आर्थात महिला को दुर्व्यवहार कराला तेणु जिते बड़े पुलिस पक्ष खबर जा गोटेपटे चयन प्रक्रिया अनियमितता अभियोग अंपटे महिला जो दुर्व्यवहार कला ये क्षेत्र में पुलिस तदन करवा दरकार जदि खेल बेले कौन क्रीड़ाद माँ बापा जब धर्य रही तार सठिक प्रक्रिया रही से ही समय जुबेनाइल क्लब सदस्य देवाशीष बेहरा जड़े महिला को जो भाई भी आक्रमण कले ये कौटि ना कौटि प्रमाण कर महिला प्रति दुर्व्यवहार होती जहाँकि नियम विरुद्ध कम एवं निहत ओसीए को गंभीरता से विचार करू जो जगह ओडिशा क्रिकेट आसोसिएशन मैच आयोजन करती से जगह सिक्यूरीटी आरेंजमेंट रो एवं जदि कौन व्यक्ति अभियोग करुच्ची से अभियोग निहतर ग्रहण करवर्त समय तदन करता मुकेश आप पचारे बीबीसीसी महापात्र ठीक कहते ना आयुष महांती माँ ठीक कहते
ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କଲେ ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି କି ବିଭୀଷତି ମହାପାତ୍ର ନିଜ କ୍ଲବ୍ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭୀଷତି ମହାପାତ୍ର ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ମା ସତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତା'ର ଡାଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ସିଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୋଚ୍ ବିଭୀଷତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ବିଭୀଷତି ମହାପାତ୍ର ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ତା'ର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ ନଥିଲା ତେଣୁ ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତେବେ କାହିଁକି ଓସିଏ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଚେକ୍ କରାଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯାହା ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ରେକର୍ଡ ରହିଛି ନା ଅଲଗା କିଛି ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ନିହାତି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନଜର କରିପାରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟମାନ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ବିଚାର କରି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ନିହାତି ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ଉଦୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଆଗରୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତା ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଏଭିଡେନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ମା ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଓସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।